ज्वाला देवी मंदिर, जहां ना तो दिया है ना बाती और ना ही तेल, फिर सदियों से कैसे अखंड ज्योति प्रज्वलित है। इस मंदिर के मुख्य भाग में कोई मंदिर नहीं है, फिर कैसे अनंत काल से ये आस्था का केंद्र है। यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही नौ ज्वालाओं की पूजा की जाती है। आज तक इसका कोई रहस्य नहीं जान पाया है कि आखिर ये ज्वालाएं यहाँ कहाँ से निकल रही हैं। कई भूवैज्ञानिकों ने कई किलोमीटर की खुदाई करने के बाद भी यह पता नहीं लगा सके कि प्राकृतिक गैस कहाँ से निकल रही है। साथ ही आज तक कोई भी इस ज्वाला को बुझा नहीं पाया है। आइए जानते हैं ज्वाला देवी की ज्वाला का रहस्य क्या है, इसके पीछे धार्मिक या वैज्ञानिक मान्यताएं क्या हैं। ज्वाला देवी मंदिर में बिना तेल और बाती के नौ ज्वालाएं जल रही हैं, जो माता के नौ रूपों का प्रतीक हैं। मंदिर में एक सबसे बड़ी ज्वाला जो जल रही है वह ज्वाला माता है, और अन्य आठ ज्वालाओं के रूप में माँ अन्नपूर्णा, माँ विंध्यवासिनी, माँ चंडी देवी, माँ महालक्ष्मी, माँ हिंगलाज माता, देवी माँ सरस्वती, माँ अंबिका देवी एवं माँ अंजी देवी हैं। माँ ज्वाला देवी के मंदिर का निर्माण सबसे पहले राजा भूमिचंद ने करवाया था। इसके बाद 1835 में महाराजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद ने इनका पुनः निर्माण करवाया था। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान मंदिर की ज्वालाओं का रहस्य जानने के लिए जमीन के नीचे दबी ऊर्जा का पता लगाने के लिए काफी कोशिश की गई, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। आजादी के बाद भी कई भूगर्भ वैज्ञानिकों ने ये पता लगाने की कोशिश की कि ज्वाला माता मंदिर के रहस्य क्या है, लेकिन उनको कोई भी जानकारी नहीं मिली। ये बातें सिद्ध करती हैं यह एक चमत्कारिक ज्वाला है। मंदिर से निकलती ज्वाला का रहस्य आज भी बना हुआ है। ज्वाला देवी की ज्वाला से संबंधित एक पौराणिक कथा भी है। कथा के अनुसार भक्त गोरखनाथ जी माँ ज्वाला देवी के बहुत बड़े भक्त थे और हमेशा भक्ति में लीन रहते थे। एक बार भूख लगने पर गोरखनाथ ने माँ से कहा कि माँ पानी गर्म करके रखें, तब तक मैं भिक्षा मांग कर लाता हूँ। जब गोरखनाथ भिक्षा लेने गए तो वापस लौट कर नहीं आए। मान्यता की है वही ज्वाला है जो माँ ने जलाई थी और कुछ ही दूरी पर बने कुंड के पानी से भाप निकलती प्रतीत होती है। इस कुंड को गोरखनाथ की डिब्बी कहा जाता है। मान्यता है कि कलयुग के अंत में गोरखनाथ मंदिर वापस लौट कर आएंगे और तब तक यह ज्वाला जलती रहेगी। बादशाह अकबर ने मंदिर की ज्वाला के बारे में सुना तो उसने अपनी सेना बुलाकर इस ज्वाला को बुझाने के लिए कई बार कोशिश की, लेकिन कोई भी मंदिर की ज्वालाओं को बुझा नहीं पाया। फिर उसने नहर तक की खुदाई करवाने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहा। नहर मंदिर की बाईं ओर देखने को मिल जाएगी। बाद में वह माँ के इस चमत्कार को देखकर नतमस्तक हो गया और वहां सवा मन सोने का छत्र चढ़ाने के लिए पहुंचा, लेकिन माता ने उसे स्वीकार नहीं किया और वह गिरकर किसी अन्य धातु में बदल गया। यह धातु कौन सा है इसका आज तक किसी को पता नहीं चला। ज्वाला देवी माँ के कई चमत्कार हैं। वहां के स्थानीय लोगों का मानना है कि जो भी श्रद्धालु सच्ची श्रद्धा से मनोकामना करता है तो माँ हमेशा उसकी मनोकामनाओं को पूरा करती है। ज्वाला माता के मंदिर को लेकर ध्यानु भगत की भी कहानी प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार ध्यानु भगत ने अपनी भक्ति सिद्ध करने के लिए अपना शीश माँ को चढ़ा दिया था। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माँ से जो भी मांगता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। कोई भी माँ के दरबार से खाली हाथ नहीं जाता। दोस्तों, उम्मीद करते हैं माता रानी आपकी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी के साथ कमेंट में जय माता दी लिखकर वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।